जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। बांदा जनपद मुख्यालय में स्थित नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मोहन साहू पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई करते हुए राज्यपाल ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि मोहन साहू के ऊपर अपने पद का दुरुपयोग कर अनेक वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप लगाया गया था। इसकी शिकायत सभासदों जिनमें सपा के भी सभासद शामिल हैं, उन्होंने शासन स्तर पर की थी। इस मामले में पूर्व में अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश दिया गया था कि जब तक निर्गत कारण बताओ नोटिस से अध्यक्ष को विमुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसी स्थिति में कार्यों का निष्पादन और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष मोहन साहू हाईकोर्ट गए, जिस पर फौरी तौर पर वित्तीय अधिकार तो बहाल हो गए पर जांच चलती रही। शासन स्तर पर इस जांच के क्रम में वह दो बार सिर्फ अपना पक्ष रखने पहुंचे, बाद में 10 बार और बुलाया गया तो बीमारी का बहाना बनाया। यही नहीं, वे अंतिम चेतावनी के बाद भी नहीं पहुंचे। शासन ने इन पर लगे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को सही पाया। यह रिपोर्ट नगर विकास मंत्रालय ने अपने स्तर से राज्यपाल को भेजी। रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने पालिका अध्यक्ष मोहन साहू को बर्खास्त कर दिया है। सपा के नेताओं का कहना है कि ये सब सरकार के इशारे पर किया जा रहा था। सरकार सपा का नगर पालिका अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर यही सत्ता पक्ष के किसी पर आरोप होता तो कभी भी कार्यवाही नहीं होती। जिस तरह के हथकंडे सरकार जिला प्रशासन की मदद से अपना रही है वो सरासर गलत है, जिसकी हम निंदा करते हैं।